सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नया ब्रांड न्यू प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आप लोग को थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। और ये मैं बहुत दिनों से खरीदने की सोच ही रहा था और आज हम इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और ये आ गया था प्रोडक्ट पिछले 2-3 दिनों से और ये वैसे ही पड़ा हुआ था क्योंकि मैं इधर उधर घूम रहा था, तो इसको मैं खोल के देख भी नहीं पाया था। अभी इसको मैं बस कल ही खोल के देखा कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं है। और आज इसको मैं अनबॉक्सिंग करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कैसा क्या एक्सपीरियंस है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को कैसा लगा प्रोडक्ट। और ये मैं बेसिकली ख़रीदा हूँ कि अभी मैं बहुत सारे राइडिंग पहले करता था लेकिन अभी मैं कर नहीं पाता हूँ और ये सारे मोमेंट्स को मैं कैप्चर नहीं कर पाता हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो मोमेंट्स कैप्चर नहीं हो पाते हैं, तो इसके वजह से मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदा हुआ है ताकि मैं कहीं भी जाऊँ हर एक मोमेंट्स को कैप्चर करूँ और मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। इसके वजह से मेरा मेन इंटेंशन ये था कि अभी बहुत सारे जगह भी रिसेंटली मैं उड़ीसा हाईएस्ट पिक जाके आया हुआ हूँ, देवमाली। आप लोग अभी सर्च करके देख सकते हो, लेकिन वहाँ का कोई भी एक मोमेंट सब फोटोज़ के अलावा और कोई वीडियोज़ मैंने शूट नहीं कर पाया कि कैसा क्या वहाँ का एक्सपीरियंस था, कैसा क्या वहाँ का एनवायरनमेंट था। तो वो सारे एक्सपीरियंस अभी मुझे कहीं भी जाना है तो वो शूट करना है और आप लोग के साथ शेयर करना है। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उसका, जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी जो प्रोडक्ट है ये रहा हमारा प्रोडक्ट ब्रांड न्यू GoPro Black 9। अभी हम इसको करते हैं अनबॉक्सिंग, लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अभी इस चैनल में नए आए हुए हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को भी दबा देना ताकि उसके वजह से आपको मैं भी जो भी नया वीडियो इसमें मेरे चैनल में अपलोड करूँगा आप लोग को नोटिफाई होता रहे। तो अभी इस केसिंग को आप लोग देख रहे होंगे तो ये केसिंग ये लोगों ने कितना बेहतरीन किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है पास में से। और पहले जो GoPro 8 था उसमें अभी ये लोग एक नॉर्मल छोटा सा ट्रांसपेरेंट बॉक्स में वो देते थे जो कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट था, लेकिन ये वाला जो केसिंग अभी ये GoPro 9 में ये लोग किए हुए हैं इसमें पूरा GoPro का एक बैग में दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा सा पास में आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये कितना मस्त केसिंग है, कितना प्यारा लग रहा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ छोटा मोटा क्वालिटी दिए हुए हैं, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे GoPro का इन्होंने लोगो लिखा हुआ है, मैं पास में से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और अभी इसको मैं करता हूँ ओपन जल्दी जल्दी क्योंकि मैं भी एक ही बार देख के रख दिया था, मैं ज़्यादा बार इसको एक्सप्लोर नहीं किया था क्योंकि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। मैं अभी इसको ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया ओपन। इसको देख सकते हो इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या है, ये लोगों ने क्या क्या दिया हुआ है। तो ये कुछ सब्सक्राइब करने के लिए दिए हैं, ठीक है, जिससे मुझे कुछ स्टोरेज क्लाउड में करने के लिए मिल जाएगा। और कुछ मैं एसेसरीज वगैरह खरीदता हूँ तो उसमें मुझे 50% ऑफ या ऐसे कुछ लाइफस्टाइल गियर एट GoPro.com में कुछ भी ऐसा खरीदता हूँ एसेसरीज प्लस लाइफस्टाइल आइटम तो मुझे उसमें थोड़ा सा ऑफ वगैरह मिल जाएगा। मतलब 50% तक ऑफ मिलेगा, ना कि हर इसमें 50% ऑफ मिलेगा। और ये मुझे ये भी बोल रहे हैं कि अप टू $100 ऑफ ऑन योर नेक्स्ट GoPro। अगर मैं कोई नेक्स्ट GoPro खरीदता हूँ तो मुझे उसमें $100 का ऑफ मिल सकता है। तो ये उनका कुछ QR कोड है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और ये इन लोगों ने कुछ स्टिकरिंग वगैरह दिया हुआ है जो कि मैं कहीं भी चिपका सकता हूँ। और कुछ इंस्ट्रक्शन है कैसे क्या बैटरी को डालना है, कैसे क्या ओपन करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। तो इसको भी मैं अभी साइड में रख देता हूँ। और ये रहा मैनुअल, यूजर मैनुअल, जो कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। और इस बॉक्स में क्या क्या आता है इसके अलावा कि एक चार्जिंग केबल जो कि GoPro को आप चार्ज कर सकते हो, और कुछ माउंट्स, ये रहे माउंट्स, और ये है एक स्टिकी पैड जो कि मैं कहीं भी कार में या कहीं भी चिपका सकता हूँ और इसके ऊपर मैं मेरा GoPro को माउंट कर सकता हूँ और कार के ऊपर रख के फुटेज शूट कर सकता हूँ। इसके वजह से ये स्टिकी पैड दिया हुआ है। और कुछ हेलमेट माउंट्स और नॉर्मल माउंट्स जिससे मैं माउंट वगैरह कर सकता हूँ GoPro को। और ये रही GoPro
9 की बैटरी, मतलब GoPro 8 के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा 30% थोड़ा ज़्यादा चार्जिंग दिया हुआ है, मतलब इसका पावर दिया हुआ है, और ये 30% बड़ा भी है। आप लोग देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा पास में से दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा है GoPro 8 की बैटरी के कंपैरिजन में, और 30% ज़्यादा चार्ज भी देता है। इसका कुछ 1720 mAh का बैटरी है, जो कि एनीवे GoPro का चार्जिंग के मामले में थोड़ा सा कमी है, लेकिन कंपैरिजन टू GoPro 8 थोड़ा सा हमको ज़्यादा चार्जिंग देखने मिल जाएगा। लेकिन हमको ऑलवेज कंसिडर करना पड़ेगा और एक बैटरी के लिए, क्योंकि अगर आप खरीदते हो GoPro 9 और कहीं बाहर जाते हो और आपके पास एक ही बैटरी है, तो फिर आपको रुक के फिर इसको चार्ज करना पड़ेगा फिर चलाने के लिए। और अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा बैकअप बैटरी है, तो आप अभी कहीं भी बाहर जाते हो तो एक और एक बैटरी को आप चार्ज में उसको रख सकते हो और इसको चला सकते हो। जब तक ये चल रहा है वो चार्ज में बैठा हुआ है, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। तो प्लीज़ कंसिडर टू बाय अनदर बैटरी। तो मैंने भी वो सारे अपलोड ऑर्डर कर दिया है अमेजन से, तो वो सारे जब आ जाएंगे तो मैं उसका एसेसरीज के वीडियो, क्या क्या मैंने GoPro के एसेसरीज खरीदा है, वो वीडियो मैं पक्का डाल दूंगा। तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या क्या एसेसरीज जरूरत है आप अगर GoPro 9 को खरीदते हो। तो सिर्फ GoPro 9 ही सफिशियंट नहीं होता है। तो अभी मतलब मैं वेट नहीं कर पाता हूँ, ये जो कि मैं पहले खोलना दिखाना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे मैं यहाँ पे आया हूँ, जो कि हमारा GoPro Hero 9 Black। तो ये है ऐसा कुछ, इसका रैपिंग वगैरह ये लोग पहले से करके दिए हुए हैं, तो इसको मैं अभी खोल देता हूँ। तो ऐसा दिखता है, मतलब GoPro 8 के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बड़ा भी है। जो भी इसका शेप है GoPro की 8 से ये बड़ा है। इसका जो GoPro 8 का था, तो GoPro 8 का सामने ये कुछ दिखता नहीं था, लेकिन अभी ये लोग GoPro ये जो सामने आप बड़ा स्क्रीन देख रहे हो, तो ये वाला स्क्रीन GoPro 8 में नहीं था। वो स्क्रीन तो था, लेकिन वहाँ पे जो भी वीडियो शूट होता था, तो वो जो भी कोई ब्लॉग करता था वो देख नहीं पाता था। उसमें कुछ वो उनका कैलकुलेशन के हिसाब से क्या था वो पता नहीं मुझे, लेकिन ये स्क्रीन जो है, हम जो भी कुछ शूट कर रहे हैं, ना कि बस पीछे वाले स्क्रीन, आगे वाले स्क्रीन में भी हम देख पाएंगे कि हम क्या शूट कर रहे हैं। तो जो भी कोई ब्लॉग कर रहा है, इसे खुद को देख करके पता कर सकता है कि मेरा कौन सा एंगल आ रहा है इस वीडियो में, कौन सा एंगल शूट हो रहा है। तो ये एक ब्लॉगर, यूट्यूब ब्लॉगर को एक मतलब सपोर्ट मिल जाएगा कि कौन से एंगल में क्या है, वो खुद से शूट कर पाएंगे, मतलब एक दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं बात करूं इसमें ये सारे बटन्स के भी, ये जो पावर के बटन है और ये जो शटर की बटन है, तो ये सारे जो बटन हैं GoPro की 8 के मामले में थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, ताकि आप लोग ग्लोव्स वगैरह राइडिंग करते टाइम पहने होंगे, तो आप लोग को थोड़ा सा कि क्लिक करते टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जो ये लेंस भी देख रहे हो ना, ये डिटैचेबल लेंस है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, और जो GoPro Max का लेंस है उसको हम डलवा सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी फीचर्स है GoPro 9 में, जो कि अपडेटेड है। और GoPro 9 वाले ये बोलते हैं कि जो GoPro 8 था उसमें हम 4K में वीडियो शूट करते कर पाते थे, लेकिन अभी इसमें हम GoPro 9 में हम इसको 5K में वीडियो शूट कर सकते हैं। और इसका जो मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें 20 मेगापिक्सल दिया हुआ है, और हाइपर स्मूथ जो है वो 3.0 है, जो कि एडवांस वर्जन है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स अपडेट किया हुआ है GoPro 9 में। तो इसको जल्दी से फटाफट ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा क्या फर्स्ट इम्प्रेशन देता है। लेकिन उससे पहले मुझे इस बैटरी को इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा GoPro जो है वो ऑन होगा। तो इसको ओपन करने के लिए, ये जो आप देख रहे हो पास में, इसमें दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे जो लॉक दिख रहा है आपको, इसको पहले आपको पुश अप करना पड़ेगा, फिर इसको स्विंग करके निकालना पड़ेगा। मैं आप लोग करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा नया में स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे पहले अप, ये अप हुआ, ये अप होने के बाद इसको स्विंग करके ऐसे निकाल दो, बस ये है इतना सिंपल सा तरीका निकालने के लिए। और आप जब ये बैटरी को इसके अंदर डालो, तो मेक श्योर करना कि प्लस और माइनस बराबरी में है,
इस तरीके से ऐसे डालते हैं, जो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जो GoPro लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड में रहेगा, ये GoPro जो लिखा हुआ है ना ये लेफ्ट साइड, और ये जो थोड़ा सा निकला हुआ है ये राइट साइड में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे डाल दो, ये हो गया, और आपको निकालना है। तो ये एक दिया हुआ है, बैटरी में ही लगा हुआ है ये चीज, इसको पकड़ के ऐसे निकाल सकते हो, इतनी आराम से डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो इतना सिंपल है, और इसको ऐसे बंद कर दो और ये हो गया बंद इतनी आसानी से, ठीक है। जब भी निकालना हो तो इसको पुश करना है थोड़ा, फिर स्विंग करके निकालना है, दैट्स इट। और अभी मैं पावर बटन को क्लिक करता हूँ, ये ऑन हो गया, ये देखो ऐसा दिखता है कुछ, क्या मस्त लग रहा है ना। और देखो यहाँ पे ना मैं आगे से खुद को देख पा रहा हूँ, अभी आप लोग देख सकते हो सामने वाला स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोग को, राइट। तो ये जो स्क्रीन है आप खुद को ऐसे देख के शूट कर सकते हो, क्या आपका एंगल आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आपको पता चल सकता है, ठीक है। तो ये, और ये जो है टच स्क्रीन है, मतलब मैं इसके बारे में डिटेल बात नहीं करूँगा, अगर आप लोग को इसका पूरा रिव्यू चाहिए तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं उसके हिसाब से एक वीडियो रिव्यू वीडियो बना दूंगा, और उसका एक फुटेज वगैरह इसका बना के मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि कैसे क्या आता है, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग को ये GoPro 9 खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो अभी इस जो GoPro है इसको जब आप पहली बार ओपन करोगे तो पहले वो लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आता है, तो आप इंग्लिश सिलेक्ट करना, फिर उसके बाद कुछ GPS वगैरह ऑन करने के लिए आएगा तो उसको आप टर्न ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को ये जो है एक ऐप है GoPro का, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप iPhone यूज कर रहे हो तो आप स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ गया था, क्योंकि मैं GoPro ऐप ही पर्टिकुलर ढूंढ रहा था ऐप स्टोर और बोथ इन गूगल प्ले स्टोर में, लेकिन उसका नाम जो है वो एक्चुअल में है क्विक। सो वो GoPro वालों ने उसका नाम चेंज कर दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज होके इधर उधर ढूंढने मत लग जाना। इतना सिंपल है कि वो जो पहले जब आप GoPro सर्च करोगे जो पहला ही दिखाएगा रिजल्ट में वही है जो क्विक बोल के भी ब्लैक में लिखा होगा। तो अभी जिस फोन में मैं शूट कर रहा हूँ उसमें इंस्टॉल है तो मैं आप लोग को दिखा नहीं सकता, और मतलब आप लोग देख के पता कर सकते हो इजीली। अगर आप लोग को कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चलिए बाय।